मसाला पक गया है। जब मसाला तेल छोड़ने लगता है मतलब मसाला पक गया। ये देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। मसाला पकाते टाइम मैंने एक छोटा स्पून नमक डाला था, तो अब मुझे थोड़ा सा और नमक डालना है। मैं भी डालूंगी। ये देखिए, इस ग्रेवी को पतला बनाना है क्योंकि इसमें जब हम पकौड़ी डालेंगे तो ये पूरा पानी सोख लेगी जो हमारी पकौड़ी है, तो इसीलिए हमें पानी ज़्यादा डालना है। ग्रेवी पतली रहेगी क्योंकि बाद में वो सूखती जाएगी ग्रेवी जो है। तो ये देखिए, मैंने लगभग 2 ग्लास पानी डाल दिया है इसमें। अब इसको हम पकाएंगे ग्रेवी को। जब ये बॉयल होने लगेगा तब इसमें हम पकौड़ी डाल देंगे। एक छोटा स्पून नमक डाला था, एक छोटा स्पून नमक और डाल दिया।